अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक राइड हेलिंग सर्विस के बारे में बात करूंगा। इन ड्राइवर, इन्होंने पाकिस्तान में अपना काम 0% से स्टार्ट किया था। 0% से मुराद कि ये ड्राइवर से कोई भी कमीशन चार्ज नहीं कर रहे थे, जबकि 100% अर्निंग जो थी वो ड्राइवर की होती थी। सो कुछ ऐसा इन्होंने 0% पे काम शुरू किया। अब आगे जो है वो इन्होंने कुछ शहरों में अपना कमीशन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि इसका जो है वो कमीशन, इसकी फ़ीस जो है वो किस तरह से पे की जाए। तो उसी हवाले से मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब दोस्त जो है वो इसमें देख लें। आप इस वीडियो को जो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस व्हीकल यानी कौन ऑटो पे कितना कमीशन है, गाड़ी पे कितना है, बाइक के ऊपर कितना है। मैं कमीशन भी बताऊंगा और सेकंड जो है वो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना टॉपअप किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरे पास सामने ही ड्राइवर की एप्लीकेशन है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इन ड्राइवर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो आप चेक करें जिस सिटीज़ में कमीशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप नोट करेंगे, आपके पास नीचे बॉटम पे एक ग्रीन स्ट्रिप आ रही है जिसमें स्टार्टिंग सर्विस पेमेंट्स वगैरह लिखा हुआ है, टैप फॉर मोर लिखा हुआ है। तो जिन सिटीज़ में ये ग्रीन स्ट्रिप बॉटम पे आ रही है वहाँ पे उन शहरों में कमीशन स्टार्ट हो चुका है, और जिस सिटी में यहाँ पे ये नीचे ग्रीन स्ट्रिप नहीं आ रही है वहाँ पे अभी कमीशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले कि जो है वो इन्होंने कमीशन कितना चार्ज कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर कितना कमीशन चार्ज कर रहे हैं। मैं जाता हूँ पे के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप ये नीचे देखिएगा, राइट साइड पर नीचे पे लिखा हुआ है, पे पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे पेमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी डिटेल आ जाती है पेमेंट्स में, यानी ऑटो पे ये लोग 11.9% टैक्स चार्ज कर रहे हैं, गाड़ी पे भी उतना है, जबकि बाइक के ऊपर जो है वो 9.9% है, ऑलमोस्ट 10% हो गया। गाड़ी के ऊपर और ऑटो के ऊपर ऑलमोस्ट 12% हो गया कमीशन। ये तो बात होगी कमीशन की। आप बात कर लेते हैं हम कि आप जो है वो इस पे टॉपअप किस तरह से करेंगे। टॉपअप करने के दो तरीके हैं, या तो आप इजी पैसे के थ्रू टॉपअप कर सकते हैं या फिर आप इजी सॉरी जैज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों तरीके जो है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। आप टॉपअप पे क्लिक करोगे, मैं बैक चला जाता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा जो है वो सर्कल करके दोबारा बता देता हूँ कि इसको टॉपअप किस तरह से करना है। ये अब देखिएगा, मैं सर्कल उसको कर देता हूँ। ये टॉपअप अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो मैं आपको शो करवाता हूँ। इस तरह से इंटरफेस कुछ शो हो जाएगा। इंटरफेस इस तरह का शो होने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि जैज़ कैश और इजी पैसा की ऑप्शन मौजूद है। आप जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इजी पैसे के थ्रू भी पे कर सकते हैं। मैं आपको शो करवाता हूँ कि जैज़ कैश के थ्रू जो है वो किस तरह से पे करेंगे। आपने जैज़ कैश की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, मैं उसको जो है वो एक दफ़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जैज़ कैश के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है अमाउंट। अमाउंट आपने आपकी मर्ज़ी है, आप कम से कम जितनी मर्ज़ी अमाउंट पे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अमाउंट पे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अमाउंट आप पे करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, कि आपको अमाउंट जो है वो बार बार पे नहीं करना पड़ेगी। ये अमाउंट इसी तरह से ही होगी कि आपके वॉलेट में लेट्स सपोज 500 का बैलेंस पड़ा हुआ है, वो 500 के बैलेंस में से आपका वॉलेट भरा हुआ है, जैसे 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 उसमें से अकाउंट माइनस होता जाएगा आपके उसमें से पैसे कम होते जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने 200 पे करने हैं, 200 की अमाउंट मैंने सेलेक्ट कर ली। सबसे पहले मैंने जैज़ कैश को सेलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने 200 की अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो रीडायरेक्ट होगा। वेट कर लेते हैं रीडायरेक्ट होने का। ठीक है, ये चेक कीजिएगा। ठीक है, जैज़ कैश का नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया।
नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पे रीडायरेक्ट होगा, यहाँ पे आपके आपका जो जायज़ कैश अकाउंट है उसका आपसे एम पिन मांगा जाएगा, वो एम पिन आपने देना है। मैं एम पिन यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ, सेंड आपने कर दिया, ठीक है। अमाउंट जो है वो मेरी सक्सेसफुल हो चुकी हुई है, अब मैं इसे ओके करता हूँ। अब चेक करें, योर पेमेंट रिसीव 200 रुपीज़, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अभी ये पेज जो है वो नेक्स्ट रीडायरेक्ट हो रहा है, तो उसका वेट कर लेते हैं हम रीडायरेक्ट होने का। ओके, तो पेज रीडायरेक्ट हो चुका हुआ है। अब ये चेक कर सकते हैं कि 200 रुपये की अमाउंट हमने इसमें पे कर दी हुई है। अब हमने चेक करना है कि हमारी जो है वो 200 रुपये की अमाउंट वो कहाँ पे गई है। हम दोबारा से पे पे जाते हैं, रिटर्न टू मर्चेंट हमने कर दिया। ओके, ये पेज हमारे पास आ गया हुआ है। अभी आप अगर ये चेक करें, यहाँ पे पहले मेरे पास ये बैलेंस आ रहा था 170 रुपीज़ था, अब यहाँ पे मैंने 200 मज़ीद ऐड कर दिया है, तो ये मेरे पास 370 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, यानी अभी मेरा 370 रुपये बैलेंस है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें अपना बैलेंस जो है वो पे कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बैलेंस जो है वो आपसे पर राइड किस तरह से डिडक्शन होती है, और ये चीज़ आगे आप कहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ गाइड करूँगा।